हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे हॉट एंड कोल्ड एसी के बारे में, या फिर 2-in-1 एसीज जो कि आपको कूलिंग तो देते ही हैं, साथ में हीटिंग का भी काम करते हैं, यानी कि हीटर्स का भी काम करते हैं सर्दियों में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके ये पूछा कि हॉट एंड कोल्ड एसी हमें लेने चाहिए या ये कैसे होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हॉट एंड कोल्ड एसी वर्क करता है और क्या हमें हॉट एंड कोल्ड एसी लेना चाहिए और किस कंडीशन में हमें ये बेनिफिशियल रहता है। दोस्तों, जितने भी लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, हॉट एंड कोल्ड एसी की बात करें तो इसके लिए, यानी कि इसको समझने के लिए कोर में जाना पड़ेगा। कोर मतलब इसके ओरिजिन की तरफ जाना पड़ेगा। दोस्तों, जब एयर कंडीशनर का ईजाद हुआ तब ये किस लिए हुआ? बेसिकली क्योंकि जब एयर कंडीशनर बनाया गया तो वो एक ऐसी मशीन बनाई गई जो हमें हमारे मुताबिक एक बंद कमरे में तापमान प्रोवाइड करा सके। अब वो तापमान कितना भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 35 डिग्री हो सकता है, या फिर माइनस में भी हो सकता है। तो एक ऐसी मशीन जो एयर को हमारी कंडीशन के हिसाब से हमें प्रोवाइड करा सके, उस मशीन को बोला गया एयर कंडीशनर। तो दोस्तों, इस चीज़ से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि स्टार्टिंग में जो एसी बनाए गए वो हॉट एंड कोल्ड ही बनाए गए, उसके बाद में इस टेक्नोलॉजी को स्प्लिट एसी में लिया गया, यानी कि रेजिडेंशियल एसीज में लिया गया। नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम एयर कंडीशनर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ठंडी ठंडी हवा आ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। और आपने देखा होगा कि सर्दियों में तो कोई एयर कंडीशनर की बात करता ही नहीं है, क्योंकि सर्दियों में चलते हैं हीटर्स। लेकिन दोस्तों, अगर आपने हॉट एंड कोल्ड एसी लगवा रखा है तो आपको सर्दियों में हीटर की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वही एयर कंडीशनर आपको गर्मियों में ठंडी हवा देता है और सर्दियों में गर्म हवा देता है, या कमरे का टेम्परेचर जो आपको चाहिए वहाँ पर सेट कर सकते हो आप उससे भी। तो दोस्तों, हॉट एंड कोल्ड एसीज जो हैं वो काम कैसे करते हैं, किस प्रिंसिपल पे चलते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। दोस्तों, एक एसी हॉट एंड कोल्ड और एक नॉर्मल एसी में कोई भी फ़र्क नहीं होता है। सेम ही चीज़ें सारी लगी होती हैं, सेम ही गैस होती है, सब कुछ सेम होता है। लेकिन हॉट एंड कोल्ड एसी में कुछ सेंसर्स एक्स्ट्रा लगे होते हैं, क्योंकि उसमें अंदर इंडोर की तरफ जब वो हीटिंग देता है तो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, ताकि वो ओवरहीट ना हो जाए। नॉर्मल एसी और हॉट एंड कोल्ड एसी में सिर्फ एक पार्ट का ही फ़र्क होता है और वो है एक वॉल्व। बेसिकली एक वॉल्व होता है जो जिसके थ्रू गैस फ्लो करती है, और वो जो वॉल्व होता है जब आप उसको हॉट वाले मोड पे चलाते हो, यानी कि हीट वाले मोड पे चलाते हो, तो वॉल्व वो कूल वाले पाइप्स को बंद कर देता है और हीट की तरफ खोल देता है। वो एक तरह का वॉल्व होता है जो रेफ्रिजरेंट का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में चलाता है। नॉर्मली क्या होता है कि हमारा आउटडोर गर्म होता है, कंडेंसर कॉइल गर्म होती है, और इंडोर कॉइल चिल होती है, यानी कि ठंडी होती है। लेकिन हॉट एंड कोल्ड एसी में ये जो प्रक्रिया है ये रिवर्स कर दी जाती है, यानी कि कूलिंग कॉइल को कंडेंसर की तरह यूज़ किया जाता है और आउटडोर में लगे हुए कंडेंसर को कूलिंग कॉइल की तरह यूज़ किया जाता है। तो जैसे गर्मियों में हमारे कूलिंग कॉइल के जरिए हमारा कमरा ठंडा होता है, उसी तरह से सर्दियों में कूलिंग कॉइल के जरिए ही, यानी कि अगर वो अब गर्म हो जाएगी तो ब्लोअर का काम है हवा देना। अब अगर कूलिंग कॉइल ठंडी है तो वो ठंडी हवा देगा, अगर वो गर्म है तो वो गर्म हवा देगा। तो यही काम है, लेकिन बस साइकिल का फ़र्क हो जाता है कि रेफ्रिजरेंट अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करने लगता है। तो यानी कि इंडोर में कंडेंसर बन जाता है जब आप हीट मोड पे एसी को चलाते हैं, बस इतना सा ही फ़र्क है। और इससे होता क्या है कि आप सब जानते हो कि कंडेंसर तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं कई बार,
तो इसीलिए एसी में कुछ ऐसे सेंसर्स लगाए जाते हैं और टेम्परेचर वगैरह जो है वो थर्मोस्टेट की मदद से आइडियल ही रखा जाता है, ताकि कंप्रेसर को जितने लोड की ज़रूरत है उतने लोड पे ही वो काम करे, क्योंकि एक्सेस गर्मी की ज़रूरत नहीं होती है किसी भी कमरे में। और आप सब जानते हो इंडोर यूनिट का जो बॉडी है वो प्लास्टिक की होती है, तो अगर कूलिंग कॉइल एक्सेस गर्म हो जाएगी तो वो ख़राब हो सकती है। इसीलिए जब आप हीट मोड पे चलाते हो एसी को, तब आपकी बिजली भी बहुत कम लगती है, क्योंकि आपके कंप्रेसर को ज़्यादा काम ही नहीं करना पड़ता है। और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है अगर आप हीटर ना चला करके एयर कंडीशनर चलाते हो सर्दियों में, क्योंकि हीटर्स बिजली बहुत खाते हैं, मीटर की चरखियां बहुत घुमाते हैं और बिल भी बहुत आते हैं जब हम हीटर चलाते हैं। आपने देखा होगा आजकल तो मीटर डिजिटल आ गए हैं, तो जब भी हीटर चलता है तो बहुत तेज़ तेज़ ब्लिंक करती है लाइट, तो उसका मतलब यही होता है कि जो हीटर है हमारा वो बहुत ज़्यादा लोड लेता है। लेकिन आप किसी फ्रेंड के यहाँ पर एक्सपीरियंस कीजिए जहाँ पर हॉट एंड कोल्ड एसी लगा हुआ है, सर्दियों में जा कर के जब उन्होंने हीट मोड पे एसी को चलाया हो, तो आप देखिएगा कि इतना ज़्यादा लोड नहीं लेता है उनके मीटर पर, वो लाइट की जो इंटरवल है ब्लिंक होने का वो बहुत कम मिलेगा आपको। तो उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एसी लगवाना ज़्यादा बेटर है बजाय कि हीटर लेने के। तो ये तो बात हो गई कि हॉट एंड कोल्ड एसी काम कैसे करता है और किस तरह से हमें बेनिफिशियल रहता है, हमारे पैसे भी बचाता है। अब बात करते हैं कि किन कंडीशंस में हमें ये एसी लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादातर जैसे इंडिया की बात करूँ तो नॉर्थ साइड में काफ़ी ज़्यादा सर्दी रहती है, तो यहाँ पर इस तरह के एसी लगाए जा सकते हैं क्योंकि हीटर्स वगैरह भी ज़्यादा यूज होते हैं। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन है या किसी ऐसे शहर में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है और जब हीट मोड पे हम चलाएंगे एसी को और कंडेंसर कॉइल ठंडी होगी तो उस पर बर्फ़ ना जम जाए, समझ रहे हो? जैसे आप शिमला हो गया, तो शिमला में तो वैसे ही बर्फ़ जमती है, तो जब कूलिंग कॉइल आउटडोर जो बाहर ही पड़ा हुआ है वो ठंडा होगा तो ऑब्वियस ही बात है उसके ऊपर बर्फ़ जम जाएगी, और जब उस पर बर्फ़ जम जाएगी तो सारा प्रोसेस ही इंटरप्ट हो जाएगा, क्योंकि कूलिंग कॉइल हो बेशक, चाहे कंडेंसर कॉइल हो, चाहे सिस्टम रिवर्स चल रहा हो, चाहे सही चल रहा हो, कहीं पर भी आइस अगर जम जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए ऐसे किसी वेदर में या ऐसे किसी क्लाइमेट में रहते हो आप जहाँ पर एक्सेस ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर आप हॉट एंड कोल्ड एसी नहीं ले सकते, वहाँ पर आपको इसको लेने का फ़ायदा नहीं होता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा डिमांडेड था, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि 2-in-1 एसीज के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो से उन लोगों को काफ़ी नॉलेज मिली होगी। और एक बात मैं साथ में और कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी हॉट एंड कोल्ड एसी लेते हैं तो वो किसी अच्छी कंपनी का लें जिसकी बॉडी वगैरह जो है वो थोड़ी सॉलिड हो, क्योंकि आपको अगर सर्दियों में भी चीज़ चलानी है तो ऐसे में आपका एसी एक नॉर्मल एसी से डबल चलेगा, तो आपको प्रोडक्ट एक अच्छा लेना होगा जो रिलायबल हो और ड्यूरेबल हो। मैं कुछ अच्छे मॉडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर उन्हें चेक कर सकते हैं और अगर आप लेना चाहें तो ख़रीद भी सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।